हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की किताब जो कि पूरक पाठ्य पुस्तक है, इसका नाम है बाल राम कथा का पहला भाग, जिसका नाम है अवधपुरी में राम, वो समझेंगे। सारांश में हम पूरा पाठ अच्छे से समझ जाएंगे। तो बच्चों, हर तरह की तरह इसको शुरू करने से पहले हम पहले इसके जो कठिन शब्द हैं, नए शब्द, वो समझ लेते हैं। पहला है दर्शनीय, मतलब देखने लायक, जो बहुत ही देखने लायक हो, जो पसंद आता हो वह। विलक्षण, विलक्षण का मतलब होता है अद्भुत, जिसमें कुछ अलग ही लक्षण दिख रहे हो, जो अद्भुत हो, जो अपने आप को क्या करता हो, तो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करता हो, ऐसा अद्भुत। सरोवर का मतलब है तालाब। संपन्न मतलब धनी व्यक्ति, जिसके पास सब कुछ हो, वो सभी तरीके से क्या हो, संपन्न हो, धन दौलत शौहरत उसके पास सभी सुख हो, उसे कहते हैं संपन्न। विपन्नता मतलब गरीबी। पारंगत मतलब निपुण, मतलब जो सब कुछ जानता हो, पारंगत हो, निपुण हो, हर चीज़ में, लड़ने में, पढ़ने में, ठीक है, युद्ध में, धनुष में, सब चीज़ में, मतलब क्या हो, निपुण हो, पारंगत हो, सभी चीज़ें कर सकता हो वो। वियोग, वियोग का मतलब होता है अलग होना, किसी से दूर होना। संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है शून्य, अचेत, नम्र, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाना, शून्य पड़ जाना, अचेत हो जाना, कुछ समझ में ना आना, उसे कहते हैं संज्ञा। तुणीर मतलब होता है तर्कस, जो कि धनुष को, धनुष में नीचे जो बांधा जाता है तीर लगाने के लिए, उसे कहते हैं तुणीर, मतलब तर्कस। तो चलिए अब हम इसका सारांश समझ के इस भाग को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अयोध्या सरयू नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। यह कौशल राज्य की राजधानी थी। इसकी इमारतें भव्य थी, इसकी सड़कें चौड़ी व सुंदर, बाग बगीचे थे, यहाँ कोई दुख या विपन्नता नहीं थी। यह बहुत ही सुंदर राज्य था, यहाँ पे सभी लोग सुख समृद्धि के साथ रहते थे। दशरथ यहाँ के राजा थे। ये महाराज रघु के उत्तराधिकारी थे। राजा दशरथ न्यायप्रिय, सदाचारी, मर्यादाओं का पालन करने वाले शासक थे। उनके पास सभी प्रकार का सुख था, उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अपने उत्तराधिकारों की चिंता के संबंध में मुनि वशिष्ठ से चर्चा की। उन्होंने महाराज दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। यज्ञ तपस्वी ऋषिशृंग की देखरेख में हुआ। अग्नि देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। तीनों रानियां पुत्रवती हुईं। बड़ी रानी कौशल्या ने चैत्र नवमी के दिन राम को, मंझली रानी सुमित्रा ने दो पुत्रों लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को तथा छोटी रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। राजमहल में खुशी छा गई। अभी देखिए आगे क्या होता है कि चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। चारों अत्यंत सुंदर थे तथा उनमें आपस में बहुत प्रेम था। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त करके रखा था। राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय थे, क्योंकि उनमें विवेकशालीनता और न्यायप्रियता थी। राजकुमार भी विवाह योग्य हो गए। राजा दशरथ भी अपनी संतानों के लिए सुयोग्य, मतलब बहुत अच्छी बहुएँ चाहते थे। सुयोग्य मतलब सभी चीज़ जानती हों ऐसी। एक दिन जब राजकुमारों के विवाह के बारे में मंत्रणा चल रही थी, उसी समय महर्षि विश्वामित्र वहाँ पधारे। दशरथ ने उन्हें ऊंचा आसन दिया और उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, उस यज्ञ में राक्षस आकर बाधा डाल रहे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। उन राक्षसों को आपका ज्येष्ठ पुत्र राम मार सकता है, इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें, ताकि यज्ञ पूरा हो सके। राजा दशरथ ने कहा, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का ही है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा। अभी देखिए आगे क्या होता है।
वह अपने प्रिय पुत्र राम को नहीं अपने से दूर नहीं भेजना चाहते थे। ऋषि ने दशरथ से कहा कि वे रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं, वचन देकर पीछे हट रहे हैं, यह कुल के विनाश का सूचक है। ऐसा होता देख मुनि वशिष्ठ आगे आए। उन्होंने कहा, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं, राम भी उनसे अनेक विद्याएं सीख सकेंगे। दशरथ ने दुखी मन से यह बात स्वीकार कर ली, परंतु उन्होंने राम के साथ लक्ष्मण को भी ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा राम के साथ लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाइए, ताकि दोनों भाई साथ में वहाँ जाके सीख सकें। विश्वामित्र ने दशरथ की बात को मान लिया। दशरथ ने राम लक्ष्मण को दरबार में बुलाकर अपने निर्णय के बारे में बताया। दोनों भाइयों ने आदर सहित सिर झुका दिया, बोले हाँ ठीक है, हम दोनों भाई साथ में जाएंगे। आगे देखिए, दोनों राजकुमार बिना देर किए महर्षि के साथ बेहड़ मतलब जंगलों की ओर चल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे, राम और लक्ष्मण धनुष संभाले और तरकस बांधे पीछे चल रहे थे।